ओके हेलो एवरीवन, आपका चैप्टर हमें स्टार्ट करना था। चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें पता पड़ेगा कि ओशियंस का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपके कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से बनकर आपके सामने आए। तो वो जो अगर हमें है ये देखना है, तो उसके लिए हम बेसिकली तीन थियरीज जो हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थर्ड है प्लेट टेक्टोनिक। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक, तो ये जो थियरीज हैं यही आपको बताती हैं कि किस तरीके से ओशियंस आए और किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन आपका हुआ। जब मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की मैं बात करती हूँ तो इसमें लिखा है कॉन्टिनेंटल मतलब रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट्स, ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। तो अगर मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की मैं बात करूँ तो इसमें आप तीन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो तीन आपके रिसर्चर्स थे जिन्होंने चीज़ों को स्टडी किया और आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखी थी। तो पहले हम बात करते हैं अब्राहम ऑर्टेरियस, फिर है आपके एंटोनियो पेलेग्रिन, फिर है आपके अल्फ्रेड वीगनर। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम ऑर्टेरियस की। अब्राहम ऑर्टेरियस ने कहा कि आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सारे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी कोस्ट लाइन से इस तरीके की एक सिमेट्री बनाते हैं। ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी कोस्ट लाइन, जो इनकी शीर्ष और लाइंस हैं, वो इस तरीके की सिमेट्री बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न होता है, इस तरीके का एक पैटर्न होता है। तो ये जो एक सिमेट्री बना रही है, ऐसे बना रही है कि एक की ये जो सिमेट्री इस साइड की है ये दूसरे की इस तरीके से सिमेट्री में क्या होती है, फिट हो सकती है। अब्राहम ऑर्टेलियस ने क्या कहा? अब्राहम ऑर्टेलियस ने कहा कि आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी जो आपकी शोर लाइन्स होती हैं या आपकी कोस्ट लाइन्स जो होती हैं उसके साथ इस तरीके की एक इक्वल या फिर आप बोल सकते हैं सिमेट्री बनाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कभी ना कभी एक ही पार्ट का हिस्सा रहे होंगे सारे कॉन्टिनेंट, बट इन्होंने कोई भी इस तरीके का एविडेंस नहीं दिया, बस इन्होंने ये सारी जो चीज़ थी वो हाइपोथेटिकली कही थी। इसके बाद हम बात करते हैं एंटोनियो पेलेग्रिन की। इन्होंने क्या किया, इन जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी मैपिंग की, और अब्राहम ऑर्टेलियस को सपोर्ट करते हुए इन्होंने सारी जो कोस्ट लाइन्स थी कि हाँ भाई सिमेट्रिकल है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा सिमेट्रिकल है, बट वो जो कोस्ट लाइन थी उसको डीपली 1000 fathoms लाइन्स तक उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी किया और इनकी बात को क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया कि इन्होंने किया था एंटोनियो पेलेग्रिन ने, बट इन्होंने भी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा एविडेंस या ऐसा कोई प्रूफ वहाँ पर हमारे सामने नहीं रखा। फिर बात करते हैं 1912 में आपके आए अल्फ्रेड वीगनर। अल्फ्रेड वीगनर जो थे उन्होंने हमें कुछ अलग से ही कहा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि भाई बहुत इनिशियल टाइम्स पहले, बहुत शुरुआत में, आप अभी तो कितने कॉन्टिनेंट देखते हैं, अभी आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, 5 आप ओशियंस देखते हैं, अभी आप 7 कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, 5 ओशियन देख रहे हैं, बट पहले स्टार्टिंग में क्या था, एक ही मासिव कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक सिंगल मासिव कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। और उसके सराउंडेड जो वाटर बॉडी थी, उसके सराउंडेड जो वाटर बॉडी थी वो भी सिंगल वाटर बॉडी थी, और उसका नाम क्या था, पैंथेरासा। आपके अल्फ्रेड वीगनर ने क्या कहा, अल्फ्रेड वीगनर ने कहा कि शुरुआत में क्या था कि जो एक सिंगल एक कॉन्टिनेंट था, एक मासिव बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, और उसका नाम क्या था, पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी उसको क्या नाम दिया गया, पैंथेरासा। जब मैं इन दोनों कॉन्टिनेंट, जब मैं इन दोनों चीज़ों की बात करूंगी तो 200 मिलियन ईयर्स पहले, अभी से 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, इसमें स्प्लिटिंग होने लगी। किसमें? इसमें पेंजिया में स्प्लिटिंग होने लगी, और स्प्लिटिंग से क्या हुआ, ये जो पेंजिया था ये 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया? पेंजिया जो था, जो आपका एक सिंगल मासिव कॉन्टिनेंट था, वो 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक पार्ट ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ, एक पार्ट नीचे चला गया साउथ की तरफ, और बीच में उसमें जो पानी था वो फिल हो गया, पेंथेरासा जो था वो आपका फिल हो गया। तो नॉर्थ में जो पार्ट गया उसे लॉरेशिया कहा गया, साउथ में जो गया उसे गोंडवाना कहा गया। पेंजिया का जब डिवीजन हुआ, 2 पार्ट में वो टूट गया, तो नॉर्थ में जाने वाले हिस्से को लॉरेशिया कहा गया, और जो साउथ में चला गया उसे गोंडवाना कहा गया, और उसी गोंडवाना लैंड या उसी गोंडवाना लैंड सिस्टम
सिस्टम का पार्ट है हमारा जो इंडिया है वो। ये बात किसने कही? अल्फ्रेड लीगलर ने कही, बट इन्होंने भी कोई प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ जो था वो उन्होंने भी नहीं दिया। चलिए भाई, हमने अभी तक तो देखा कि कौन कौन से आपकी थियोरीज थी। तो कौन कौन सी थियोरीज थी आपकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी में जब हमने बात की तो हमने तीन लोगों के बारे में बात की। कौन कौन? आपके अब्राहम ऑर्टेलियस और आपके एंटोनियो वेलेग्रीन और अल्फ्रेड वीगनर। हमने सभी के बारे में बात की कि किसने क्या क्या कहा। और हमने वीगनर के बाद में हमने ये देखा कि किसी ने भी एविडेंसेस नहीं दिए थे, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो आपके वीगनर ने दी थी और उसको बहुत हद तक एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं। तो वो एविडेंसेस हम देख लेते हैं क्या क्या थे। एविडेंसेस थे जिग्सो फिट थियरी, सेम रॉक इन सेम टाइम थियरी, टिलेट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड फॉसिल्स। कौन कौन से एविडेंसेस इस थियोरी को सपोर्ट करते हैं? जिग्स सो एंड फिट, सेम रॉक इन सेम टाइम, टिलेट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स और फॉसिल्स। जब मैं जिग्स सो फिट की बात करूँ, ये गुलाट ने दी थी, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है दोनों आपस में इनकी जो सिमेट्री है ऐसी है कि अगर मैं इन दोनों को पास लेकर आऊँ तो ये एक दूसरे की कोस्ट लाइन से एकदम एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। और जिस शेप में ये फिट होंगे, वो जो शेप है वो कौन सा है? जिग और सॉ का वो शेप है। क्या कहा उन्होंने? जिग सॉ फिट में बुलाट ने उन्होंने कहा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है वो अपनी कोस्ट लाइन में इस तरीके का एक शेप बनाते हैं कि मैं अगर उनको एक पास लेकर आऊँ तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। किस शेप में फिट हो जाएंगे? जिग्सो पैटर्न में वो कोस्ट लाइन से थ्रू फिट हो जाएंगे। इसका मतलब कभी ना कभी किसी टाइम पे, इनिशियल टाइम्स में, अर्लियर टाइम्स में वो किसी एक ही लैंड का पार्ट रहे होंगे। जैसे आप किसी भी चीज़ को बीच में से तोड़ते हैं तो उसमें एजेस से बन जाती है, फ्रिंजेस से बन जाती है, और जब आप उनको पास में लेकर आते हैं तो वो किस तरीके से जुड़ जाती हैं। तो वही चीज़ आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिलती है। और किस पैटर्न में वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं? जिग और सॉ फिट में। तो यही चीज़ किसने कही? बुलाट ने कही कि हाँ भाई, कभी ना कभी हो सकता है कि एक ही लैंड का पार्ट रहे हो और टूट गए हो और अलग हो गए हो। दूसरा, सेम रॉक इन सेम टाइम, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट पे कहीं पर भी जो एक रॉक मिल रही है वो अगर सेम टाइम की होगी, मतलब वो दोनों एक ही टाइम के रॉक से मिलकर बने हैं, एक ही टाइम पर उनका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक ही लैंड का वो पार्ट हो सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग दो चीज़ें हमारे सामने आई। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की जो रॉक्स थी उनकी स्टडी की गई। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की जो रॉक्स थी उनकी स्टडी की गई, और उनकी जो एज थी जब उसकी स्टडी की गई तो उनकी एज कितनी निकली? 200 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा नहीं निकली। मतलब यंगर आपकी जो क्रस्ट थी, जो आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है उससे वो बनी हुई थी, यंगर क्रस्ट से बनी हुई थी, ज़्यादा उनकी एज नहीं थी। बट इन सभी की, मतलब इनकी जो रॉक्स थी वो क्या थी? सेम टाइम में मिलकर बनी हुई थी। जबकि दूसरी अगर रॉक्स की हमने स्टडी की, उनकी एज हमने देखी, तो उनकी जो एज थी वो 3200 मिलियन ईयर्स से भी पुरानी थी, उससे भी ज़्यादा थी। तो वो जो थी वो कौन सी क्रस्ट से बनी हुई थी? वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बनी हुई थी। तो हमें दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। एक तो ये जो सारे कॉन्टिनेंट हैं ये एक ही रॉक से बने हुए हैं और एक ही टाइम में इनका फॉर्मेशन हुआ है इस रॉक का, मतलब एक टाइम पर ये एक ही लैंड का पार्ट रहे होंगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से ये क्लियर हुई कि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो यंगर होती है किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पहले बनती है और ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो बाद में आपकी बनती है। तीसरा जो एविडेंस हमारे सामने आया वो आया टिलेट्स। टिलेट्स क्या होते हैं? जो आपके ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं ना, ग्लेशियर के जो डिपॉजिट, ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो जब सेडिमेंट के फॉर्म में किस तरीके से फ्लो होते हुए आ जाते हैं, किसी भी तरीके से फ्लो होके आ रहे हैं, विंड के थ्रू आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, उनको टिलेट्स कहा जाता है। तो इस तरीके के जो टिलेट्स हैं ये कहाँ मिले हैं आपके, मतलब ग्लेशियर डिपॉजिट्स के जो सेडिमेंट्स हैं कहाँ मिले हैं? गोंडवाना रीजन के सिस्टम में, गोंडवाना सिस्टम के रीजन में मिले हैं। गोंडवाना कौन कौन से में आता है? मैंने बताया था इंडिया, अफ्रीका, आपका ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका भी इसमें आता है। तो ये जो सारे रीजन है, ठीक है, अंटार्कटिका की अगर मैं बात करूँ वहाँ आपको थोड़ी सी ठंड मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भी इतना कुछ नहीं है, बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की बात करूँ, थोड़ा सा अगर मैं
वेस्टर्न पार्ट में, तो वहां पर आपको रीजन कैसा मिलेगा, हॉट मिलेगा, वहां ग्लेशियर्स आपको नहीं मिलेंगे। जब वहां पर इस तरीके का रीजन है तो वहां ग्लेशियर डिपॉजिट्स कैसे आए, तो आप ये बोल सकते हैं कि कभी ये सभी एक ही लैंड का हिस्सा थे, बट स्प्लिटिंग के बाद ये नीचे चले गए, और नीचे तो चले गए बट एक ही पार्ट का हिस्सा थे, तो वो जो डिपॉजिट्स थे वो यहाँ पर इस तरीके से आए। मतलब कभी ना कभी वहां पर एक ही पार्ट में ये लोग सब क्या थे, सबमर्ज्ड थे, और वो जब स्प्लिटिंग हुई तो जो भी सेडिमेंट्स थे वो नीचे इनके साथ में ही आ गए। दूसरी फोर्थ चीज है ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ग्लेशियर डिपॉजिट्स की मैं बात करूँ तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। एक तो घाना का, साउथ अफ्रीका का जो घाना है, साउथ अफ्रीका का जो घाना रीजन है, यहाँ आपको गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट यहाँ इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं मिलती, इस तरीके की रॉक नहीं मिलती जो कि गोल्ड का फॉर्मेशन करती है। जब इस तरीके की रॉक नहीं मिलती तो गोल्ड का डिपॉजिट कैसे यहाँ पे मिलते हैं? इस तरीके की रॉक यहाँ तो नहीं मिलती लेकिन ब्राजील में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? ब्राजील में मिलती है, बट यहाँ कोई गोल्ड का डिपॉजिट नहीं है। तो हो सकता है एक टाइम पर घाना यहाँ हो, ब्राजील यहाँ हो, स्प्लिटिंग हो गई हो, तो डिपॉजिट्स तो यहाँ रह गए हो और रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ हो गया हो, बट अब ये क्या हो गए, आपकी अलग अलग हो गई। तो कभी हो सकता है ये एक ही लैंड का पार्ट आपका रहा हो। फिफ्थ अगर हम बात करें तो है आपके फॉसिल्स, जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, इसमें हम एविडेंसेस देख रहे थे, कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। चार हम देख चुके थे, जिग्स ऑफ इट, सेम रॉक इन सेम टाइम, टेलेट्स और ग्लेशियर डिपॉजिट्स। फिफ्थ जो है आपका फॉसिल्स, वो हम अब देखेंगे। फॉसिल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के एग्जाम्पल हैं। एक है हमारे पास लेमूर्स। लेमूर जो है एक रेप्टाइल का एक आप बोल सकते हैं कैटेगरी है। लेमूर जो है, अगर मैं बात करूँ लेमूर्स की, तो लेमूर जो है आपके पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो लेमूर्स हैं वो पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते थे, बट इसके जो फॉसिल्स हैं आपको कहाँ कहाँ मिले हैं? इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में। मैंने क्या बात की, मैंने कहा भाई हम एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एविडेंसेस जो हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ग्रीनलैंड ने जो कहा था सही था। एक पहले क्या था, एक मासिव प्लैनेट ही था, एक सॉरी मासिव कॉन्टिनेंट ही था, फिर उसमें आपकी स्प्लिटिंग होती गई और आपके 5-7 कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, तो उसको जो एविडेंसेस जो प्रूफ्स मिले वो कहाँ से मिले? यहाँ से मिले। 5 थे, 4 हम बात कर चुके हैं, जिग्स ऑफ फिट जो गुलाट ने दिया था, सेम रॉक और इन सेम टाइम, फिर टेलेट्स की हमने बात की थी और ग्लेशियर डिपॉजिट्स की हमने बात की थी। अभी हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। फॉसिल्स में मैंने कहा एक होता है लेमूर। जो लेमूर होता है एक क्या होता है? रेप्टाइल होता है। ये जो लेमूर होता है रेप्टाइल होता है, इस ये जो है आपका पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। मतलब कहीं पर भी ऐसे नहीं कि कहीं पर भी मिल रहा है, कुछ ऐसे आपके पर्टिकुलर कंडीशंस होती है वहीं पर ही क्या कर सकता है, आपको मिल सकता है। तो ये जो मिलता है ठीक है, बट इसके जो फॉसिल्स हैं कहाँ मिले आपको? इंडिया में, मेडागास्कर में और अफ्रीका में, जहाँ पर इसको जैसे सिचुएशन या कंडीशन चाहिए वैसी आपके पास वहाँ अवेलेबल नहीं है, बट उसके फॉसिल्स आपको वहाँ पर मिले। और ये जो फॉसिल्स आपको मिले हैं तीनों जगह, ये क्या है, सब ही क्या है, डिफरेंट इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इनफैक्ट इनके कॉन्टिनेंट भी क्या है आपके? अलग अलग है। तो ये सब जब इतने दूर दूर है, कॉन्टिनेंट इनके अलग अलग है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़्यादा वेरी कर रही है, तो सेम एक एनिमल का जो एक रेप्टाइल है उसके फॉसिल्स हर जगह कैसे मिल सकते हैं? तो मतलब हो सकता है कि कभी ना कभी एक टाइम पर ये जो एक लैंड पार्ट है, जो अभी आप तीन कॉन्टिनेंट यहाँ देख पा रहे हैं, वो कभी ना कभी सिंगल एक कॉन्टिनेंट या सिंगल एक लैंड मास का ही हिस्सा रहे हो। और यही चीज़ सोचकर इन तीनों जगह को, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका को, एक हाइपोथेटिकल नेम दिया गया है लेमूरिया। लेमूरिया का मतलब जहाँ लेमूर्स के फॉसिल्स आपके मिले थे। ठीक है, कोई इस तरीके का नेम है नहीं, है हाइपोथेटिकल नाम दिया है, मनगढ़ंत सा है, बट क्योंकि आपको गिवन है इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है मेसोसॉरस। मेसोसॉरस जो है ये आपको ब्रैकिश वाटर जो होता है, शेलो ब्रैकिश वाटर, मतलब काइंड ऑफ लेगूंस जो होते हैं वहाँ आपको मिलता है। इसके जो फॉसिल्स हैं वो आपको दो जगह मिले हैं। कहाँ कहाँ? एक तो अफ्रीका के केप प्रोविंस में आपको मिला है और ब्राज़ील में मिला है। एक तो अफ्रीका के केप प्रोविंस में आपको मिला और ब्राज़ील में मिला। अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी नहीं है कि सेम कॉन्टिनेंट में, ये भी आपके अलग अलग है। और डिस्टेंस की बात करें तो 6800 किलोमीटर्स का इसमें डिस्टेंस है। तो फॉसिल्स अलग अलग जगह एक ही जानवर के कैसे मिल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि भाई ये खुद ही ट्रेवल करके चला
चला गया हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल हो सकता है कि कभी ये दोनों ही जगह किसी एक लैंड का, सेम लैंड का पार्ट रहे हों। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कॉजेज या वो फोर्सेज जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो होती है वो होती है। ये किसने दिया कि अल्फ्रेड डीजल ने। तो उन्होंने दो रीजन दिए थे, एक था कोल्ड फ्लीक फोर्स, दूसरा था टाइडल फोर्सेज। ये दो फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको देखने को मिली। तो कोल्ड फ्लीक फोर्स की मैं बात करूँ तो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, और इसकी वजह से आप इक्वेटर पर जो आपको बल्जेस देखने को मिलते हैं वो आपको इसी की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें हुआ क्या था, आपको पता है एक मास था आपका पैंजिया, और पैंजिया में क्या होने लगी थी, स्प्लिटिंग होने लगी थी, एक बार नॉर्थ की तरफ मतलब नॉर्थ पोल की तरफ गया था वो, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो पोल की तरफ होती है। जो दूसरा पार्ट साउथ की तरफ गया था वो भी कहाँ गया था, साउथ पोल की तरफ। जो नॉर्थ पोल की तरफ गया उसने लोरेशिया बनाया, जो आपके साउथ पोल की तरफ गया उसने गोंडवाना बनाया। दूसरा फैक्टर था, दूसरा फोर्स था टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्सेस जो थे वो सन और मून के मूवमेंट की वजह से हुए थे, और इसकी वजह से भी आप कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट देख सकते हैं। बट ये जो दोनों फोर्सेस थे ये इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थे। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था बट जो कॉन्ट्रीब्यूशन था कम था, इतना ज़्यादा ये अपना कन्विंसिंग नहीं कर पाए थे लोगों को। तो उसके बाद कुछ थियोरीज और आई, जो आपकी पोस्ट ड्रिफ्ट थियोरीज हैं। एक आई थी कन्वेंशनल करंट थियोरी, दूसरी थी आपके सी फ्लोर कॉन्फ्यूग्रेशन। कन्वेंशनल करंट थ्योरी की मैं बात करूँ तो ये जो होती है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। कैसे होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, और इसमें रेडियो एक्टिव डीके जो होता है उसकी वजह से और रेजिडुअल जो हीट होती है उसकी वजह से आपके क्या होता है, प्लम्स जनरेट होते हैं और वो बाद में या तो वोल्केनो या माउंटेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये कैसे होता है हम देखते हैं भाई, इसमें कैसे होता है। ठीक है, इसमें ऐसे होता है, मान लीजिए ये क्या आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। इसमें इस तरीके से क्या होती है आपकी जो मूवमेंट होती है, कन्वेंशनल करंट जो होती है इस तरीके से आपकी क्या होती जाती है, मूव करती जाती है। अब क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के नीचे आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं इनके क्या होती है, इसमें फ्रिक्शन वगैरह होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हीट होती है वो क्या होती है, जनरेट हो जाती है। कहाँ पे, आपके मेंटल में, कहाँ पे, आपके मेंटल में, मेंटल में। और मेंटल में ही फिर आपका क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, राइज करता है। मैग्मा क्या करता है आपका, राइज करता है। तो ये मैग्मा इस तरीके से राइज करता है, राइज करता है, तो यहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाहर निकलने की कोशिश में ये यहाँ पर क्या कर देता है, एक पोल क्रिएट कर देता है, अर्थ के क्रस्ट पर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, फिर निकल जाता है, फिर निकल जाता है, फिर यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट भी हो जाता है, फिर सेम प्रोसेस होती है इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे होल करने की कोशिश करता है। तो उसको यहाँ पर जगह मिले उसके लिए वो क्या करता है, इसको यहाँ पुश करता है और इसको यहाँ पुश करता है। मतलब एक तो फोर्स यहाँ लगाता है, एक फोर्स यहाँ लगाता है। तब जब दोनों साइड पे इस तरीके से ये फोर्स लगाएगा तभी इसको यहाँ पे जगह मिलेगी, फिर ये बाहर निकलता है, फिर यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो प्लेट के मूवमेंट्स आप देख पा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से होता है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आपको पता है अर्थ क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी वजह से रेजिडुअल जो हीट होती है जनरेट होती है मेंटल में। मैग्मा आपको ऊपर आता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने के लिए ही वो क्या करता है, यहाँ पे फोर्स देता है। और फोर्स कैसे करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ वो क्या करता है, प्लेट्स को मूव करने की कोशिश करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो हम देखते हैं सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन हम जब भी हम इसके बारे में बात करें तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे आया था, कि जब आपके यूएसए की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे पर अटैक करने के लिए हर जगह अपना जो था एक कंट्रोल वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो यूएसए ने क्या किया, उन्होंने सोचा भाई हमें जो आपके सीज है, ओशियंस है, वहाँ पे भी इस तरीके का कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उन्होंने सी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने सबमरीन्स वगैरह लॉन्च कर सकें। तो सी में जब वो गए तो उन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखा, अबाइसल प्लेन देखा और मोर देखा। मोर का मतलब होता है मिड ओशियनिक रिजेस। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अबाइसल प्लेन और मिड ओशियनिक रिजेस कैसी होती है,
तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला ही आ गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये जो सबसे पहला आ गया ये आपका होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अलग अलग लैंडफॉर्म्स होती है मतलब ओशियंस के नीचे भी, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। ये हल्का सा जो स्लोप आ रहा है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा राइज कर रहा है, ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। ये यहाँ पर ट्रेंच पे से भी ये इस तरीके से उठ रहा है, ये भी आपका कॉन्टिनेंटल राइज है। और ये इस तरीके की जो घाटियां बनती है ना, ये आपकी क्या होती है, ट्रेंचेस। क्या होती है, ट्रेंचेस। फिर ये जो आपका ये सारा ये जो हिस्सा हो गया इस तरीके से, ये जो भी आपका बनते जा रहा है, ये होता है आपका मोर। क्या होता है, मोर मतलब मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, काइंड ऑफ वैली होती है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मिड ओशियनिक रिजेस हो गया। तो इसके बीच का जो भी आपका प्लेन होता है, इसके बीच का जो भी आपका प्लेन होता है, प्लेन ऑफ ओशियन, इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अबाइसल प्लेन। इसी को क्या कहा जाता है, अबाइसल प्लेन। जैसे हमने कॉन्वेंशनल करंट की बात की, इसमें जो भी आपके प्लम्स वगैरह बनते हैं सरफेस में मैंने बताया, वही बात भी क्या होते हैं, वोल्केनो और आपके माउंटेन्स वगैरह फॉर्म करते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके का मूवमेंट होता है, वो भी आगे क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। तो प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो प्लेट्स क्या होती है, प्लेट्स मतलब इसमें जो मूवमेंट होती है। अब आपको ये तो पता है कि आपका अर्थ का आप क्रस्ट देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस तरीके से लेयर्स जो होती है वहाँ पे एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स से वो कॉन्फिग्रेशन बनती है। तो वो जो प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट होता है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, वो डिपेंड करता है। तो वही हम देख रहे हैं। तो ये जो प्लेट्स होती है दो तरीके होती है बेसिकली, मेजर और माइनर। मेजर में आपकी यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट्स हो जाती है, माइनर में कोकोस, नाज़का, अरेबियन हो जाती है। ये जो थ्योरीज थी ये आपके मैकेंजी पार्क एंड मॉर्गन ने दी थी 1967। तो हम देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स तीन तरीके से होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्लेट होती है उनका मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो हम देख चुके हैं कहाँ पर, कन्वेंशनल करंट फ्लो में जो हमने देखा था कि मैग्मा उसको फोर्स करता है बाहर निकलने के लिए, और दोनों साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स करता है ताकि प्लेट्स जो होती है वो क्या करती है, अपना शिफ्ट कर जाती है। फिर दूसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होती है, दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती है, दोनों आपस में एक दूसरे के पास आती है तो क्या होता है, कोलिजन। और इस कोलिजन के बेस पे तीन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज फॉर्म होती है। कैसी कैसी, अगर जो ये जो प्लेट्स हैं दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री बनेगी। अगर ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये ओशियनिक प्लेट्स हैं दोनों, तो ओशियनिक ओशियनिक प्लेट बाउंड्री बनेगी। अगर एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियनिक है तो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट बाउंड्री बनेगी। अगर हम बात करें जो आपका सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था, स्प्रेडिंग आपने देखा था, तो उसमें एक चीज़ थी, हम ये पहले कर चुके हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है उसकी जो एज होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्या होती है, कम होती है। मतलब ओशियनिक क्रस्ट यंगर होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका ओल्डर होता है। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और आपका ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो थिक होता है, मतलब 5 किलोमीटर तक ही होता है। अब हम वन बाय वन सारे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। चलिए भाई अब हम देख लेते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, वहाँ उसकी वजह से क्या होता है, हीट वहाँ पर रेजिडेंट हीट जनरेट होती है और वो क्या करती है, मैग्मा को राइज अप करती है। किसकी वजह से, कन्वेंशनल करंट जो फ्लो करता है वहाँ उसकी वजह से, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो मैग्मा होता है वो अपर क्रस्ट पर फोर्स करती है बाहर आने के लिए, बाहर आने के लिए फोर्स करती है, तो वो जो अर्थ क्रस्ट होता है उसको वो क्या कर देती है, वीकन कर देती है, तोड़ देती है, वहाँ पर वो एक होल क्रिएट कर देती है, फिर बाहर निकल कर वहाँ एक्युमुलेट हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है, फिर से जो वो जो होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, फिर से सेम प्रोसेस होता है, सेम चीज़ें फिर से होती हैं। तो मैग्मा स्पेस बनाने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्या करती है, अपर क्रस्ट को फोर्स करती है, पुश करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखेंगे तो कि जो आपका मैग्मा है यहाँ से रेजिडेंट हीट जनरेट हुई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, जैसे ही जनरेट हुई तो यहाँ पर ये होल बनाने की कोशिश करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ एक्युमुलेट हो जाएगी,
फिर यहाँ ये ब्लॉक बंद हो जाएगा, फिर नीचे से फिर से फोर्स करेगी, फिर एक्युमुलेट हो जाएगी। तो ये जब जैसे जैसे इसको स्पेस नहीं मिलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नई लैंडफॉर्म्स बनती जाएंगी, तो ये क्या करेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स देगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स को क्या करेगी, पुश करेगी। क्योंकि यहाँ एक्युमुलेशन हो रहा है मैग्मा का, तो यहाँ नई लैंडफॉर्म्स बनती है जिसे आप वोल्केनो बोलते हैं। यहाँ पर वोल्केनो जो होती है वो आपका फॉर्म होता है। यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है आपकी प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, इस वजह से शेकिंग हो रही है, इसलिए आपका अर्थक्वेक भी आता है। क्योंकि यह नई लैंडफॉर्म्स आपकी बन रही है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की। हमें पता है इसमें क्या होता है, तीन तरीके के कोलिजन की वजह, क्योंकि इसमें कोलिजन होता है, तो तीन तरीके की यहाँ पर आपको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ओशिनिक कोलिजन की वजह से, ओशिनिक ओशिनिक कोलिजन की वजह से, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। तो जब आप कॉन्टिनेंटल ओशिनिक कोलिजन की बात करेंगे, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, किससे, ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी से। मतलब ज़्यादा भारी कौन होगा, ओशियनिक क्रस्ट होगा। ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ओशियनिक क्रस्ट की होगी। यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये क्या है आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये आपका क्या है, एक ओशियनिक क्रस्ट है। दोनों आपस में कोलाइड करने वाली है, क्योंकि हम कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो ये कोलाइड करेगी। कोलाइड करेगी तो भारी कौन सी है, इसमें से डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, ओशियनिक क्रस्ट की। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो सबडक्ट करेगी, क्या करेगी, सबडक्ट करेगी, नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी, मेंटल में। मेंटल में क्या है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये सबडक्ट कर रही है, नीचे जा रही है मेंटल में, तो ये जो इसका ये पार्ट है, ये हीट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। और यही मैग्मा बाद में क्या बना देगा, आपका वोल्केनो, क्या बना देगा, वोल्केनो। तो एक जो लैंडफॉर्म यहाँ बन रही है कॉन्टिनेंटल ओशनिक कोलिजन से, कौन सी है, वोल्केनो। दूसरी चीज, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये जब कोलाइड कर रहे हैं, ऐसे ये दोनों जब क्रस्ट, ये दोनों प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। किसका, आपके कंप्रेशन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो सेडिमेंट होते हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फोल्डिंग प्रोसेस के बेस पर ये जो सेडिमेंट्स होते हैं दूसरे के साथ रैपअप करने लग जाते हैं, और क्या बना देते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स। तो आपके कॉन्टिनेंटल ओशनिक कोलिजन पे एक तो वोल्केनो बनता है, दूसरा क्या बनता है, फोल्डेड माउंटेन्स। तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, अर्थक्वेक भी आता है। दूसरा देखते हैं ओशनिक ओशनिक कोलिजन। ओशनिक ओशनिक कोलिजन, मान लीजिए ये एक ओशनिक प्लेट है, ये आपकी ओशनिक प्लेट है, दोनों में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। क्योंकि ये भारी होती है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो भी नीचे वाली होगी वो क्या हो जाएगी, इनमें से एक तो नीचे आएगी आएगी, तो डेंसिटी ज़्यादा है, सबडक्ट करेगी, सबडक्ट करेगी, तो जो भी इसका पार्ट है, हीट ज़्यादा होने की वजह से मेंटल में, मेंटल में हीट ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के बाद मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में क्या बना देगा, वोल्केनो बना देगा। ये जो वोल्केनो बनाएगा, ये आपके पैसिफिक आइलैंड्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा। न्यूमरस वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं, जिनको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक तो क्या बन रहा है, वोल्केनो, और दूसरी चीज़, इसमें अर्थक्वेक भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इसमें हिमालय का जो ऑरिजिन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये यूरेशियन है, ये आपकी इंडियन प्लेट है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है वैसे तो, ओके, ओशियनिक क्रस्ट से तो ये क्या होती है, कम होती है, बट इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। कम होगी तो इसका सबडक्शन भी कम होगा, मेटल तक ये नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी तो मैग्मा नहीं बनेगा, मैग्मा नहीं बनेगा तो इसको वोल्केनो भी नहीं बनेगा। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन में मैग्मा भी नहीं होगा तो वोल्केनो का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरी चीज़, क्योंकि यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसमें क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे। सेडिमेंट्स हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्सेस लगेंगे, कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से सेडिमेंट्स आपस में रैप करेंगे, रैप करेंगे तो यहाँ फोल्डिंग प्रोसेस होगा, फोल्डिंग प्रोसेस होगा तो फोल्डेड माउंटेन्स यहाँ पर बनते हैं। तो
अर्थक्वेक आता है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, सॉरी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर केस में एक प्लेट जो है वो टूट के नीचे गिर रही है। तो जब भी आप कोलाइड कर रही है, एक पार्ट क्या हो रहा है उसका, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अभी तक हमने दो प्लेट बाउंड्रीज जो थी वो देख ली थी, कौन कौन सी, आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अभी थर्ड प्लेट बाउंड्री जो है वो हम देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि अर्थक्वेक तो आएगा, आपके प्लेट में मूवमेंट हो रहा है तो अर्थक्वेक तो आएगा, बट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आपका कौन सा, जो आपका एंड, जो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसमें अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड्स के थ्रू जो होता है ना वो फ्रिक्शन लगता है। सोचिए, एंड्स के थ्रू वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एंड्स के थ्रू फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो होती है आपकी, इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो इसमें कोई प्लेट का डिस्ट्रक्शन होता है ना ही किसी प्लेट का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपने मूवमेंट ऑफ प्लेट्स किया, कन्वर्जन प्लेट में भी कुछ मूवमेंट हो रहा है, आपकी डाइवर्जेंट में भी हो रहा है, ओशियनिक ओशियनिक कोलिजन हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कोलिजन हो रहा है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, इनकी जो रेट होती है ना वो हम देख लेते हैं। तो रेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे स्लोवेस्ट रेट जो है वो आपकी आर्कटिक रिजेस में आपका नोटिस की गई है, और ये 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं फास्टेस्ट रेट की बात करूँ तो आपको ईस्ट पैसिफिक राइस में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? आपके साउथ पैसिफिक में, जो आपका ईस्टर आइलैंड है उसके पास में है। यहाँ जो रेट होती है प्लेट ऑफ मूवमेंट्स की, जो मूवमेंट होती है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेट मूवमेंट के जो फोर्सेस होते हैं वो किस चीज़ पर बेस होते हैं या क्यों होते हैं, ये हम देख चुके हैं वैसे, बट थोड़ा सा आपके पास एक अकाउंट गिवन है इसमें एनसीईआरटी में, इसलिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं। 1930s में आर्थर होम्स आए, उन्होंने कहा ये जो प्लेट का मूवमेंट होता है ये कन्वेंशनल करंट की वजह से होता है। देख चुके हैं हम ऑलरेडी, कन्वेंशनल करंट की वजह से रेडियो एक्टिव जो डीके होता है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर रेजिडुअल हीट क्या होती है, जनरेट हो जाती है, फिर मैग्मा को वो क्या कर देती है, एक्सप्लोड करती है। एक्सप्लोडन से जो आपका मैग्मा होता है ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसी में वो फोर्स अपना लगाता है अर्थ के क्रस्ट पर। तो प्लेट्स का जो भी मूवमेंट होता है वो कन्वेंशनल करंट की वजह से होता है। हम दोनों ही प्लेट बाउंड्रीज में ये चीज़ देख चुके हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।